हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? आप सब लोग बहुत बढ़िया होंगे। आज हम बेटा बुलसाई नीट 2021 सेशन नंबर 32 डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसके अंदर आज हम देखेंगे बॉटनी का क्वेश्चन नंबर 1। देखते हैं सबसे पहला आज का हमारा सबसे फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। बेटा क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर दिया गया है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। ये हमें ध्यान में रखना है कि ये दिए गए स्टेटमेंट में से कौन सा स्टेटमेंट है जो कि इनकरेक्ट है। ये बात हमें कभी भी सिली मिस्टेक नहीं करनी है, ओके। अब यहाँ पर हमें सबसे पहला स्टेटमेंट दिया गया है वायरसेस आर ऑब्लिगेट पैरासाइट। सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, वायरस जो है वो कनेक्टिंग लिंक होते हैं किसके, लिविंग और नॉन लिविंग के बीच में। सेल थ्योरी के एक्सेप्शन बोला जाता है वायरसेस को। क्यों? क्योंकि बेटा ये आउटसाइड द सेल नॉन लिविंग की तरह बिहेव करते हैं, क्योंकि ये कंप्लीट सेल ही नहीं है। वायरसेस किससे मिलकर बने हैं? प्रोटीन और प्रोटीन प्लस न्यूक्लिक एसिड का कंपोजिशन है, ओके। न्यूक्लिक एसिड का कंपोजिशन है, इनके पास भी इनका खुद का मेटाबॉलिज्म नहीं होता है। मेटाबॉलिज्म आप जानते ही हैं, एनाबॉलिज्म प्लस कैटाबॉलिज्म, जितनी भी एक्टिविटीज होती हैं, जितनी भी केमिकल रिएक्शंस चलती हैं, इनके पास साइटोप्लाज्म नहीं होता, कंप्लीट सेल नहीं है, तो वो सारी चीज़ें इनमें क्या होंगी? एब्सेंट होंगी। सो दे रिक्वायर ए पर्टिकुलर होस्ट। सो स्टेटमेंट 1 जो हमें क्या बताता है, वायरसेज आर द ऑब्लिगेट पैरासाइट। वायरसेस जो है वो एक क्या है? ऑब्लिगेट पैरासाइट है। और पैरासाइट्स कौन होते हैं? जिनको किसी न किसी एक पर्टिकुलर होस्ट की रिक्वायरमेंट होती है बेटा। तो सबसे पहला जो स्टेटमेंट है ये हमारा राइट स्टेटमेंट है, इसको हम किसी भी सूरत पर गलत नहीं ठहरा सकते। अगला जो हमारा स्टेटमेंट है, इन्फेक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट इन वायरसेज इज द प्रोटीन कोट। बिल्कुल गलत बात बोल रहा है ये क्या कह रहा है? देखो आपको मैं कुछ याद दिलाना चाहूंगा बैक्टीरियोफेज के बारे में। वायरस विच इन्फेक्ट द बैक्टीरिया, उसकी जो स्ट्रक्चर होती है वो कुछ इस तरीके से होती है, कैप्सिड से मिलकर बना होता है। और यहां पर ये वाला जो कोट होता है ये किसका होता है बेटा? ये प्रोटीन का कोट होता है, ये प्रोटीन का कोट होता है जो कि कैप्सोमियर से मिलकर बना होता है। ये वाला जो कैप्सिड होता है ये किससे मिलकर बना होता है? प्रोटीन का होता है। ये किसकी? प्रोटीन की कोटिंग है, ठीक है, प्रोटीन का है। और अंदर वाला जो पार्ट है ये क्या है? न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड इट मे बी डीएनए, इट मे बी आरएनए, ये वेरी करता है वायरस टू वायरस। एंड ये वाला जो नेक रीजन है, एंड देन यहां से ये इसका जो टेल पार्ट है कुछ ऐसा होता है। तो ये क्या कह रहा है कि जो प्रोटीन वाला पार्ट है वो इन्फेक्टेड पार्ट है? बिल्कुल गलत बात कर रहा है। इसलिए ये वाला जो स्टेटमेंट है ये राइट स्टेटमेंट होगा। किसके अकॉर्डिंग? इनकरेक्ट स्टेटमेंट हमें चूज करना था। नेक्स्ट वन इज द प्रियोन्स कंसिस्ट ऑफ एबनॉर्मली फोल्डेड प्रोटीन। जो प्रियोन्स होते हैं वो एबनॉर्मल फोल्डेड प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं। बिल्कुल सही बात है, प्रियोन्स जो होते हैं वो किससे मिलकर बने होते हैं? एबनॉर्मली फोल्डेड प्रोटीन से। एनसीईआरटी की लाइन है बेटा, बिल्कुल क्लियर कट। इसीलिए हम कहते हैं कि एनसीईआरटी को बहुत ध्यान से पढ़ना जरूरी है, ठीक है। लेफ्ट पेज के ऊपर दी गई है, सेकेंड थर्ड लाइन के अंदर ही ये चीज़ें बताई गई हैं प्रियोन्स के अंदर। देन नेक्स्ट वन हम बात करने जा रहे हैं, तो ये भी गलत होगा। इसके अकॉर्डिंग वायरोइड्स ले के प्रोटीन कोट। वायरोइड्स क्या होते हैं? वायरस से थोड़ी छोटी साइज के होते हैं, इनमें प्रोटीन कोट जो होता है वो एब्सेंट होता है। बिल्कुल सही बात है। तो हमारा जो राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 1 का, वो जो करेक्ट आंसर है बेटा वो है आंसर नंबर सेकेंड इज द राइट आंसर। अब हम आज के सेशन के लास्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आज के सेशन का हमारा लास्ट क्वेश्चन है बेटा, मैच द फॉलोइंग डिजीजेज विद द कॉजिटिव ऑर्गेनिज्म एंड सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। कुछ डिजीजेज के नाम दिए गए हैं और कुछ यहाँ पर आपको दिए गए हैं क्या? पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म, कॉजल ऑर्गेनिज्म जिसको बोलते हैं, जो डिजीज कोज करता है, ठीक है। एक साइड में आपको डिजीजेज दी गई हैं, एक साइड में उनका कॉजल ऑर्गेनिज्म बताया गया है। तो बेटा सबसे पहले हम बात करना चाहते हैं यहाँ पर, सबसे पहले कौन है? सबसे पहले है टाइफाइड। टाइफॉइड कौन कॉज करता है? साल्मोनेला टाइफी। देन न्यूमोनिया कौन कॉज करता है? न्यूमोनिया कॉज बाय हीमोफिलस। एंड फाइलेरियसिस कॉज बाय वाउचेरिया। एंड मलेरिया कॉज बाय प्लाज्मोडियम। अब यहां पर मैं एक आपको टेक्निक बताता हूं, हिट एंड ट्रायल मेथड के थ्रू भी यूज कर सकते हैं। मैक्सिमम बेटा ऐसे क्वेश्चंस में कई बार क्या होता है कि कुछ लर्न करने के क्वेश्चंस होते हैं जिनके अंदर हम प्रॉपर चीज़ों को याद नहीं कर पाते हैं, तो हमें क्या होता है इस पर हमें हिट एंड ट्रायल मेथड यूज़ करना चाहिए। कुछ सिंपल डिजीजेज होती है, लाइक सभी को पता होगा कि मलेरिया जो है वो कॉज करता है कौन? प्लाज्मोडियम कॉज करता है, जिसके दो होस्ट होते हैं, एक ह्यूमन होता है, एक फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो होता है। तो यहाँ पर उसका जो प्लाज्मोडियम है वो क्या कॉज करता है? मलेरिया। तो इन सिंपल आपको पता होगा कि फोर्थ यानी डी के साथ में हमने मैच किया है सेकंड को, तो यहाँ पर बाकी किसी में भी नहीं है, तो बाकी के तीनों गलत हो गए। राइट आंसर जो है वो फोर्थ वन इज द राइट आंसर, ओके।
तो इसी तरीके से हमें टेक्निक के साथ में भी हमें क्वेश्चंस करने आने चाहिए। तो इसका जो आंसर है वो फोर्थ आंसर है। आई होप आप क्वेश्चंस को रेगुलरली कर रहे हैं, आपको रेगुलरली क्वेश्चंस के आंसर्स करने हैं बेटा। मिलते हैं अगले सेशन में, ऑल द वेरी बेस्ट।